आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम लिखें, नया चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो ये सबसे छोटा चैप्टर है बच्चों हमारे पूरे सिलेबस के अंदर, और इसकी वेटेज बहुत ही कम होती है, इसीलिए मैक्स टू मैक्स 3 नंबर की। और बहुत से स्कूल्स के अंदर तो ये चैप्टर ही कटवा देते हैं, इनफैक्ट फाइनल एग्ज़ाम तक आपको ये चैप्टर हो सकता है टीचर कहे कि ये नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कुछ बातें कभी कभी 1 नंबर में आ जाती हैं, तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी आज सीखेंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि भैया सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं, है ना। चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आप लिखो डैश डाल के, डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट एंड इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो समटाइम्स known as supporting documents. It is also sometimes known as supporting document. तो जो इसमें सबसे बड़ा की वर्ड है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है एविडेंस। तो आप एविडेंस वर्ड को हाईलाइट या ब्लॉक कर लेना, इसका मतलब है एक तरह से प्रमाण, एविडेंस, सबूत, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं ना, और आपने जर्नल चैप्टर पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग करते हैं आप, परचेज करते हो, सेल करते हो, लेकिन उन सब बातों का सबूत भी तो होना चाहिए ना। तो वो सबूत जो होता है, जो एविडेंस होता है, उसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अलग अलग प्रकार के सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखो, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल्स ओनली। ऐसा नहीं है कि बस पूरी दुनिया में यही है, हम कुछ डिस्कस करते हैं बस आपके साथ। तो क्या क्या है, सबसे पहला ए का नाम है कैश मेमो। मैं इन सब के आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, इनका डेमो भी दिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। तो कैश मेमो में आप लिखना, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। उसके बाद बी का नाम है इनवॉइस और बिल। तो इसमें लिखना, इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट।
तो बताओ बच्चों, कैश मेमो में और इनवॉइस में क्या अंतर होता है? दोनों ही गुड्स बेचने वाला व्यक्ति बनाता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है? जब वो कैश में बेचता है तो कैश मेमो बनाता है, और जब उधार पे बेचता है तो इनवॉइस बनाता है, या उस डॉक्यूमेंट को इनवॉइस कहते हैं। बेसिकली ये फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो अभी इसके डेमो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे दिखते हैं ये, कैसे लगते हैं। उसके बाद सी, अगला सोर्स डॉक्यूमेंट है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर कॉमा ए रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड फुल स्टॉप। द रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट वेयर द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर वेयर द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर। तो रिसिप्ट क्या होता है सर? आपने ऑफिस में फीस दी थी, तो फीस देने के बाद आपने ऑफिस से क्या बोला मैडम को कि मैडम हमको रिसिप्ट दो। तो जब हम किसी से रिसीव करते हैं अमाउंट, तो हम सामने वाले व्यक्ति को क्या इशू करके देते हैं? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब होता है जब हम किसी से कैश या किसी से चेक रिसीव करते हैं, खासकर अपने ग्राहक से, तो हम उसको एक रिसिप्ट इशू करके देते हैं। और ये रिसिप्ट जो होती है ये डुप्लीकेट में बनाई जाती है। डुप्लीकेट का मतलब है इसको दो कॉपियों में बनाया जाता है, एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है? आपको। और एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास होती है ऑफिस में। तो ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर, तो इसको बोलते हैं रिसिप्ट। उसके बाद डी, डी का नाम है पे इन स्लिप। तो आप में से कोई बच्चा कभी बैंक गया है पैसे जमा करवाने? बैंक में आप गए हो कभी, लाइन में लगे हो पैसे डिपॉजिट करने के लिए या चेक डिपॉजिट करने के लिए? तो ये पे इन स्लिप वहाँ की चीज़ होती है। तो इसको अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। तो पे इन स्लिप में लिखना, इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। जब आप कोई कैश या चेक डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, तब पे इन स्लिप जो है वो भरनी पड़ती है। वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो सबूत होता है इस बात का कि आपने बैंक में पैसे जमा करे। नहीं तो क्या सबूत है कि आपने पैसे बैंक में जमा करे? तो पे इन स्लिप। उसके बाद ई, ये तो सबको पता होगा, चेक। तो चेक देखा है कभी आपने? चेक, चेक तो देख रखा है। तो इसमें लिख लो, चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कॉमा ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड, ड्रॉन विद द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड, एंड इज पेबल ऑन डिमांड। तो चेक जो होता है वो आपने शायद देखा हो अपने जीवन काल में कभी, तो जिस व्यक्ति का जिस भी अकाउंट जिस बैंक में होता है
तो वो अपने अकाउंट का चेक इशू करके दे देता है जो पेबल ऑन डिमांड होता है, मतलब जब मैं चाहूँ तब मैं उसको डिपॉजिट कर सकता हूँ और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो चेक जो होता है वो बेसिकली एक सोर्स डॉक्यूमेंट, आपने देखा होगा उसे कहते हैं। उसके बाद जी एफ, एफ का नाम है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में लिखना है, ए डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए डेबिट हैज बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन डेबिट नोट, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को आप अभी हाईलाइट कर लो, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले एक लास्ट जो है हमारा जी पॉइंट वो और लिख लेते हैं। जी का नाम है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। तो इसमें लिखना, क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट हैज बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ, बताओ क्या? इट इज यूज्ड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। तो ये मैं आपको समझाता हूं अभी कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट बेसिकली क्या होते हैं। तो छह प्रकार के आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मैंने समझाए। चलो तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल बस सुनना है आपको, बनाना नहीं है, बस दिमाग का ढक्कन खोल के रखना है। तो मान लेते हैं मैंने अपने कुछ गुड्स राजू को सेल करे 10,000 रुपए के, और वो भी उधार पे। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी बताओ? राजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। अब 2 दिन के बाद क्या हुआ, जो डब्बे आपने राजू को बेचे थे उनमें से एक डब्बा राजू को लगा कि ये बेकार है, खराब है, तो उसने आपका एक डब्बा आपको वापस कर दिया। तो आप क्या बोलते हो उस एक डब्बे को? सेल्स रिटर्न। मान लेते हैं 2,000 रुपये का। तो अब आप सेल्स रिटर्न होने पर क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड। तो अब आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजू। तो आपने राजू को बताओ क्या करा, डेबिट करा या क्रेडिट करा? क्रेडिट करा। आपने राजू को क्या करा? क्रेडिट करा। तो जब भी सेल रिटर्न के टाइम पर आप अपने ग्राहक को क्रेडिट करते हो तो आप एक चिट्ठी लिख के उसको बताते हो, कहते हो राजू भाई, राजू भाई, हमने तुम्हें क्रेडिट कर दिया है 2,000 रुपये। तो इस चिट्ठी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट। बस, तो क्रेडिट नोट का मतलब होता है ये चिट्ठी, कि आप राजू को चिट्ठी लिख के क्या बता रहे हो कि राजू भाई, राजू भाई, हमने आपको अपनी बुक्स में 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिया है। तो इस चिट्ठी को बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो समझ आ गया? तो क्रेडिट नोट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सेल्स रिटर्न के टाइम पर। अच्छा, इसी की उल्टी कहानी अगर आप बनाओगे तो परचेज रिटर्न के टाइम पर
डेबिट नोट बन जाता है, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है अगर आपको याद हो तो, राजू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो अगर मान लो मैं इसी कहानी को उल्टा कर देता और आपने राजू से पहले गुड्स खरीदे होते और फिर वो गुड्स में से कुछ वापस करा होता, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाती राजू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो फिर आप राजू को चिट्ठी लिख के क्या कहते कि राजू राजू हमने तुम्हें डेबिट कर दिया है, तो परचेज रिटर्न के टाइम पर डेबिट नोट इशू करते हैं। तो पहले इतनी कहानी ओके हो गई। चलो तो आपसे 11 नंबर में बस वो ये पूछ सकता है, लेकिन इनके छुटमुट डेमो जो है वो मैं ऐसी बस आपको दिखा देता हूँ जानकारी के लिए, सिर्फ देख लेना, बाकी किताब में भी आपको दिख जाएंगे। तो जैसे ये आप एक डेमो देख रहे हो, ये एक डेमो है कैश मेमो का, तो एक बार रिवाइज करवाओ। कैश मेमो क्या था, कब इशू करते थे, जब व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो देखो भाई, आपका साड़ियों का शोरूम है, आपका नाम क्या है, छाबड़ा सिल्क एंड सारीज, ठीक है, वो हंस रहा है कह रहा है वेरी गुड, ठीक है। आपकी दुकान महारानी बाग में है नई दिल्ली में, और आज तारीख है ये, तो आपने क्या क्या बेचा, देखो 10 साड़ियाँ बेची, कितने रुपए के भाव से, 1000 रुपए के भाव से, तो कितना हो गया टोटल 10,000। फिर आपने 4 शॉल्स बेची, कितने रुपए के भाव से, 1,000, तो कितने रुपए हो गया 4,000। तो ये इस प्रकार से कैश मेमो होता है। तो आपने किसी को सामान बेचा और उससे 14,000 रुपये आपने ले लिए, तो इसको बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है ना। तो आपसे बनाने के लिए नहीं आएगा, आप चिंता मत करना, बट ये बस एक डेमो के लिए कैश मेमो होता है। इसी तरह दूसरा क्या था, इनवॉइस। इनवॉइस क्या था, अपने मुँह से बोलो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अब इस बार आपकी बिजली की दुकान है, क्या नाम है आपका, मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, ठीक है, आपकी दुकान है यहाँ दिल्ली में। तो आपने 3 तारीख को, अब मेरठ में एक ग्राहक है, मेरठ के ग्राहक का नाम है आइडियल कस्टमर, तो आपने आइडियल कस्टमर, ये मेरठ में रहता है, इसको उधार पे सामान बेचा। तो अब देखो इसको क्या क्या बेचा आपने, 2 रेफ्रिजरेटर्स बेचे 8,000 के भाव से, तो कितने रुपए के, 16,000। 10 आपने आयरन्स बेची 1,100 के भाव से, कितने रुपए, 11,000। तो आपने टोटल 27,000 का माल उधार पे बेचा, नीचे आपके सेल्स मैनेजर के दस्तखत आ गए, है ना। बाकी ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ई एंड ओ ई लिखा हुआ है किनारे पे, छोटा सा दिख रहा है आपको ई एंड ओ ई, तो ये इसका मतलब बेसिकली होता है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड ए वाला एक्सेप्टेड नहीं, ई वाला एक्सेप्ट, जो हम कहते हैं कि इसके अलावा। तो कई बार कुछ राउंड फिगर्स हो जाती हैं, तो कह रहा है कि उसको हटा देते हैं, तो 27,000 रुपी ओनली। तो ये बेसिकली इस तरह का आपको इनवॉइस का डेमो देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो कैश मेमो कब बनाते हैं बोलो, जब आप गुड्स कैश में सेल करते हो, और इनवॉइस जब गुड्स क्रेडिट पे सोल करते हो। फिर रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होती है जी बताओ, रिसिप्ट, हाँ, तो आपकी बिजली की दुकान है दिल्ली में, तो आपको किससे मिला, देखो आइडियल कस्टमर से कितने रुपए मिले, 27,000 रुपए मिले। कैसे मिले, चेक मिला, किस तारीख का, 5 तारीख का, चेक कौन से बैंक का है, कैनरा बैंक का है, बस। तो ये जब सारी चीज़ें आपको रिसीव हुई, यानी कि जब आपको चेक रिसीव हुआ, तो आप ये सारी बातें यहाँ पर नोट करके किसको दे दोगे, ग्राहक को, इसको रिसिप्ट बोलते हैं। तो जब आपको पैसा रिसीव होता है किसी से, तो आप ये आइसक भाई रिसिप्ट इशू करते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, पेन स्लिप। तो कभी जाना बैंक कि मम्मी मम्मी आज मैं जाऊंगा आपके पैसे डिपॉजिट करवाने बैंक में, तो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हो, तो बैंक वाला कहता है कि भाई पहले पर्ची भरो, इसको पेन स्लिप बोलते हैं। तो इसमें आपसे सारी डिटेल भरवाता है वो, कि भाई आपका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है ना, अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो या कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कितने रुपए कर रहे हो, चेक अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो चेक का नंबर क्या है, कैश अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो कितने 500 के नोट लेकर आए हो, कितने 100-100 के नोट लेकर आए हो, टोटल भर दो,
इंग्लिश में लिख दो, तो वो इस तरह की आपसे पर्ची भरवाता है, फिर यहाँ आप अपने साइन कर दोगे, यहाँ पे वो अपना ठप्पा लगा देगा बैंक वाला, तो इस तरह से पेन स्लिप होती है। तो ठीक है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। बाकी उसके बाद जी चेक तो आपने देख ही रखा है, तो मैंने चेक की इसलिए फ़ोटो नहीं डाली। फिर अगला कौन सा था? डेबिट नोट। डेबिट नोट कब यूज़ करते थे एक बार बताना ज़रा? परचेज रिटर्न में। तो अगर आप किसी व्यक्ति को डेबिट करते हो तो आप उसको चिट्ठी लिख के भेजते हो कि हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं परचेज रिटर्न के टाइम पर। तो अब देखो, अब हमारा शोरूम है कालका जी में, हमारी दुकान का नाम है प्रोवोक। तो अब ये चिट्ठी हम पता है किसको भेज रहे हैं? हम ये चिट्ठी भेज रहे हैं मेसर्स हाई एंड लो को, और हम उसको चिट्ठी लिख के क्या भेज रहे हैं कि हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं कितने रुपए? 5500। तो बेसिकली ये परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो हो रही होगी। तो एक बार परचेज रिटर्न की एंट्री बोलना दोबारा से, क्या होती है? मेसर्स हाई एंड लो अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न की एंट्री के बाद हम ये चिट्ठी जो है मेसर्स हाई एंड लो को भेजते हैं, तो इसे बोलते हैं डेबिट नोट, क्योंकि आपने मेसर्स हाई एंड लो को क्या करा है? डेबिट करा है। समझ आ गया? और आखिरी कौन सा था जी? क्रेडिट नोट। ये कब इस्तेमाल होता है? सेल्स रिटर्न। तो आपकी दरियागंज में दुकान है, आपका नाम है आशी ग्लास कंपनी, तो अब आप किसको कर रहे हो सेल, मतलब कहाँ से सेल रिटर्न आ रही है? मेसर्स प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से। तो आपने उसको सामान बेचा था, गले हुए तार बेचे थे, तो उसने आपके 15,000 रुपये के तार वापस कर दिए। तो बताओ ये एक तरह से क्या एंट्री हो रही है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिक। तो आपके पास जब सेल रिटर्न आएगी तो आप प्रभात को क्या चिट्ठी भेजोगे कि प्रभात भाई हमने तुम्हें क्रेडिट कर दिया। तो इस चिट्ठी को बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो समझ आया आपको डेमो? क्लियर हो गया पॉइंट? चल, तो ये तो थे जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब आप लिखो मेरे साथ अगली हेडिंग फ्रेश पेज पर, बिल्कुल पेज के बीचों बीच, तरोताज़ा। इस हेडिंग का नाम है वाउचर। तो वाउचर की बस एक लाइन की छोटी डेफिनेशन इसी के ब्रैकेट में लिख लो कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो वही चीज़ हो गई सोर्स डॉक्यूमेंट वाली, उसको वाउचर भी कह देते हैं, लेकिन ये हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो ये भी एक तरह से सबूत ही है, एक डॉक्यूमेंट ही है जो इस बात को, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बताता है कि आप जो कर रहे हो उसका सबूत है ये। तो वाउचर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप दो बाइफरकेशन करना। पहले को कह सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग वाउचर्स। ठीक है, तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो इसके नीचे तो लिख लो डन, है ना? ऊपर आप पढ़ के आए अभी अभी अलग अलग प्रकार के सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और दूसरे जो होते हैं वाउचर्स, उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अब अकाउंटिंग वाउचर्स जो होते हैं ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन से? तो सर हमें क्या पता, एक को बोलते हैं कैश वाउचर्स और दूसरे को बताओ तुक्का मारो क्या बोलते हैं? नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स, तो एक को बोलते हैं कैश वाउचर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वालों को बाजार में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो भी लिख लो ब्रैकेट में,
इन्हें ट्रांसफर वाउचर्स भी कह देते हैं कुछ लोग, तो ब्रैकेट में आप लिख लो ट्रांसफर वाउचर्स। अब आपको अगर तुक्का मारने को कहा जाए कि भाई एक को कैश कह रहे हैं दूसरे को नॉन कैश कह रहे हैं, तो एक बिल्कुल बेसिक अपेरेंट तुक्का अगर आपको मारना हो कैश और नॉन कैश में, तो क्या होगा वो, इसका क्या मतलब होता होगा? इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शन वाला वाउचर बनता होगा और उसमें क्रेडिट वाली एक तरह से या नॉन कैश वाली, बस तो यही बात लिखनी है, एक छोटी सी लाइन लिखनी है। तो कैश वाउचर में लिख लो कि इट रिफर्स टू वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश या ब्रैकेट में और चेक, एक ही बात है। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, आपको कैश मिला या दिया तो उसको कैश वाउचर बोल देते हैं, और नॉन कैश वाउचर के नीचे लिख लो, नॉन कैश वाउचर कौन सा होता होगा, तो इसमें लिख लो इट रिफर्स, इट रिफर्स टू वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिसमें कैश नहीं आया उसके लिए नॉन कैश वाउचर बना देंगे, नॉट इन्वॉल्विंग कैश। तो इतनी बात तो नाम से समझ आ जाती है। तो कैश वाउचर में आपको कैश या चेक मिला होगा या आपने दिया होगा, और नॉन कैश वाउचर में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा। अब सर कैश वाउचर जो होते हैं वो भी अपने आप में दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से सर? एक को बोल देते हैं डेबिट वाउचर और एक को बोल देते हैं क्रेडिट वाउचर। ओके, तो बाकी लिखने के लिए लिख लो, लेकिन आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो डेबिट वाउचर लिख लो, डेबिट वाउचर कब बनते हैं? जब हम परचेज ऑफ गुड्स कॉमा एक्सपेंसेस एटसेट्रा करते हैं, ठीक है? अभी आप थोड़ी देर में बिना रटे समझ जाओगे। पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखू तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो क्रेडिट वाउचर कब बनते हैं? जब हम क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, या तो ये करते हैं या सेल ऑफ एसेट्स और अदर रिसिप्ट्स, कुछ भी। तो ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे, चिंता मत करना। बस तो आप इसके नीचे लाइन लगा लो, तो कॉन्सेप्चुअल बातें तो ये हो गई। तो अब हम आपको वाउचर्स सिखाएंगे, वाउचर्स कि कैसे बनते हैं वाउचर्स। तो आपको नंबरिंग करवा देता हूँ। तो टोटल बच्चों एग्जाम में तीन प्रकार के वाउचर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? या तो क्वेश्चन कहेगा डेबिट वाउचर बनाओ, नंबर वन, या फिर क्वेश्चन कहेगा क्रेडिट वाउचर बनाओ, नंबर टू। तो डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर बनाने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि आप कैश वाउचर बना रहे हो, और या फिर नंबर थ्री वो आपसे कहेगा कि कौन सा वाउचर बनाओ, हाँ ट्रांसफर वाउचर नंबर थ्री। तो हमें तीन सवाल जो है वो आपके साथ सिर्फ डिस्कस करने हैं कि कैसे डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर बनता है, ठीक है ना? तो बस आपको सिर्फ अपनी आंखों को बिल्कुल चौकन्ना रखना है
और दिमाग का ढक्कन पूरी तरह खोल के रखना है। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, जैसे ही आपने लिखा अगर तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली। तो बस आप मेरी बातें सुनते रहना, आपकी दिल्ली में दुकान है, बिजली की दुकान है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर डेबिट वाउचर, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। मुझे जर्नल एंट्री वाला जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, बस उसके मुताबिक आंसर बताओ कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो तो 1 जनवरी 2021 को लिखा है बॉट इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश, मतलब आपने कुछ बिजली का सामान खरीदा, गुड्स खरीदे ₹10,000 के, और लिखा है अगेंस्ट कैश, मतलब पैसे दे दिए, तो इसकी जर्नल एंट्री बताइए जी। आपने गुड्स खरीदे हैं और पैसे दे दिए, वेरी गुड। तो मैं एंट्री लिख लेता हूँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, यही होगी ना जर्नल एंट्री। तो इसमें तो किसी को दो राय नहीं है, सिंपल है ये तो पॉइंट। चलो एक और सेकंड भी, सेकंड में लिखा है January 8 को पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ₹5,000, आपने वेजेस पे कर दिए, बताओ जर्नल एंट्री, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट। तो बड़े ध्यान से बस मेरी बात सुनना, इन दोनों ही ट्रांजैक्शन में आप देखो कैश की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो इनके वाउचर्स जो बनेंगे वो कौन से वाउचर बनेंगे, कैश वाउचर, पहले आपको ये समझ आ गया कैश वाउचर। अब उसने बोला क्वेश्चन ने कि मुझे डेबिट वाउचर बना के दिखाओ, कौन सा वाउचर बोला क्वेश्चन ने, डेबिट वाउचर। तो आप बस अपनी जर्नल एंट्री में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्रेडिट में कुछ लिखा हुआ है और बस अपनी नज़रें सिर्फ डेबिट पर फंसा दो। तो अब अगर आपकी नज़रें डेबिट पर फंसी हुई होंगी तो आपको क्या नज़र आएगा, यही नज़र आएगा। आपको फोकस किस पे करना है, डेबिट पर, क्योंकि वो कौन सा वाउचर कह रहा है बनाने को, डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर सुनने का मतलब है, पढ़ने का मतलब है कि आपको अपनी निगाहें कहाँ पर रखनी है, डेबिट पर। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले में, और दूसरे में कौन सा डेबिट हो रहा है, वेजेस अकाउंट। तो एक बार इसको रिपीट कर लो ताकि याद रहे देखने से पहले, पहला कौन सा डेबिट हो रहा है, परचेज, और दूसरा कौन सा हो रहा है, वेजेस। तो अब देखो ये वाउचर बनाते कैसे, तो आपको बनाना नहीं देखना, आप बस मुद्दे की चीज़ देखना। अब पहला वाउचर देखो कैसे बनता है, देखो हमारी दुकान का नाम क्या था, प्रभात बिजली दुकान है ना, दिल्ली में। तो ये हमने लिख दिया वाउचर नंबर 1, नंबर तो कुछ भी आ गया, डेट आ गई। उसके बाद लेफ्ट में देखो ऐसा लिखा है रिसीव्ड रुपीस, इसमें आपको अंग्रेजी में लिखना है कितने रुपए मिले हमें, या कितने रुपए मतलब हमने दिए, 10,000, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन होता है वाउचर का ऐसा, ठीक है। अब आप फोकस करना बीच के कॉलम पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसने लिखा डेबिट, डेबिट के आगे पढ़ो उसने क्या अकाउंट लिख के दे रखा है, परचेज अकाउंट। तो बस आपको ये लिखना है एग्जाम में कि डेबिट वाउचर का मतलब है कि आप डेबिट किसे कर रहे हो, परचेज अकाउंट को। तो याद आ गया पहला आंसर में हम किसको डेबिट कर रहे थे जर्नल एंट्री में, परचेज अकाउंट को। तो जब वाउचर बनता है ना डेबिट वाउचर, तो वो इस प्रकार से नजर आ रहा होता है कि आपने डेबिट किसको करा, कौन से अकाउंट को करा, परचेज अकाउंट को, कितने रुपए करा, 10,000, बस। बाकी ये अकाउंटेंट के दस्तखत आ जाएंगे, मैनेजर के दस्तखत आ जाएंगे, ये SD लिखा है, SD का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर विद डेट, ये मतलब होता है। तो शॉर्ट में SD मतलब सिग्नेचर ही समझ लो आप, ठीक है ना। तो वो सब नाटक है, आपको उससे परवाह नहीं है। तो डेबिट वाउचर में आप डेबिट किसको कर रहे हो, परचेज अकाउंट। तो ये लॉजिक समझ आ गया। अब ये बताओ खुद ही अपने आप, जब मैं सेकेंड वाउचर अगर पूछूं आपसे, सेकेंड वाउचर अगर बनाना हो, तो सेकेंड वाउचर में क्या हो रहा होगा, वेजेस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे होंगे। तो जब सेकंड वाउचर होगा उसको अगर आप देखो, तो बिल्कुल सेम तरीका, आपकी दुकान का नाम आ गया, दिल्ली में है आपकी दुकान, वाउचर नंबर 2 आ गया, तारीख आ गई,
और बस फोकस करो डेबिट, तो डेबिट के आगे क्या लिखा है, वेजेस अकाउंट, बस कितने रुपए, 5,000, बाकी दस्तखत आ गए अकाउंटेंट के, मैनेजर के, तो समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर, तो क्लियर हो गया डेबिट वाउचर। तो आपको ये बनाने की अभी आवश्यकता नहीं, बस आपने देख लिया समझ लिया तो ये काम खत्म हो गया, क्लियर। चलो अब करेंगे अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस। अब इसमें लिखा है प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर्स। चलो तो आप अपना तैयार हो जाओ। तो मान लेते हैं कि लिखा है प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑफ मेसर्स लाल एंड कंपनी नई दिल्ली। तो आप अपनी नॉर्मल जर्नल एंट्रियां बताओ। 5 अप्रैल को लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेच दिए कैश में 12,000, बताओ जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके 12,000। उसके बाद अगला पॉइंट है 26 अप्रैल सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर, आपने एक पुराना टाइपराइटर बेच दिया फॉर कैश 300, बताओ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, लिखो या ना लिखो, टू टाइपराइटर अकाउंट, यही होगी जर्नल एंट्री। पहले सब बच्चे इसमें संतुष्ट हैं। उसके बाद नंबर थ्री में कह रहा है विड्रू कैश 15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस के काम के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड मैडम, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक से पैसा कम कर लिया। तो अगर आप जर्नल एंट्री चैप्टर में जाकर देखोगे तो ये तीनों से आप संतुष्ट हो भाई, ये आपको इसीलिए सिखा रखी है जर्नल एंट्री, ओके बोलो ना हाँ। अब आपको इसमें वो कौन सा वाउचर कह रहा है बनाने को, क्रेडिट वाउचर। तो तीनों ट्रांजेक्शन में क्या कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब कैश वाउचर्स हैं। अब वो कह रहा है क्रेडिट वाउचर बनाओ, तो अब आपको अपना फोकस, अपनी आंखें कहाँ गड़ानी पड़ेंगी, क्रेडिट साइड। तो मैं डेबिट को हटा देता हूँ, डेबिट को छुपा देते हैं। तो अब जब मैं आपको पहला वाउचर दिखाऊंगा तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पहले वाउचर में क्रेडिट होता हुआ कौन सा अकाउंट दिखेगा, सेल्स अकाउंट। दूसरे वाउचर में कौन सा दिखेगा, टाइपराइटर अकाउंट। तीसरे में कौन सा दिखेगा, तो समझ आ गया कैसे बनाना है क्रेडिट वाउचर। तो बस इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो क्रेडिट वाउचर जो है उसमें आपकी दुकान का नाम आ गया रामलाल एंड कंपनी नई दिल्ली, वाउचर नंबर आ गया जो भी है 2318, तारीख आ गई, फोकस करो क्रेडिट लिखा है क्रेडिट। तो क्रेडिट के आगे कौन सा खाता लिखा हुआ है, सेल्स अकाउंट। तो समझ गए क्रेडिट वाउचर कैसे बना। इसी तरह अगर दूसरा वाउचर होगा तो उसमें बस सेल्स की जगह क्या लिखा होगा, टाइपराइटर अकाउंट। तीसरा होगा तो बैंक अकाउंट। तो क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले जर्नल एंट्री करवाता हूँ चैप्टर, उसके बाद यह वाउचर करवाता हूँ। बहुत सी जगह वाउचर पहले करवा देते हैं तो फिर बच्चा कन्फ्यूज होता है, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो समझ गए वाउचर बनाने की तरकीब क्या है, आप जर्नल एंट्री कर लो ऑटोमेटिकली वाउचर आसान हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं बस फिर खत्म, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। तो दो तरह के वाउचर होते थे ना बच्चों, आपको टाइप्स लिखवाए थे, पहला टाइप का नाम क्या था, सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, और दूसरे टाइप का नाम क्या था, अकाउंटिंग वाउचर। तो कह रहा है आपको अकाउंटिंग वाउचर बनाना है सपोर्टिंग वाउचर को देखकर। तो मैं पहले आपको दिखाना सिखाता हूँ, बताओ हमारी दुकान का नाम क्या है, वेरी गुड। तो आप ये देखना सीख गए कि इसका मतलब हम कौन है, ये होते हैं जो सबसे ऊपर होता है। हमारी दुकान कहाँ पर है, मेरठ में है। अब बिल नंबर से पहले पढ़ो क्या वर्ड दे रखा है, सेल बिल नंबर। तो इससे आपने क्या पहचाना कि ये इसका मतलब कुछ सेल से रिलेटेड होगा,
इसका मतलब ये जो नीचे आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है या कुछ भी बात दे रखी है, ये किससे संबंधित होगी? सेल से संबंधित होगी, आपने यहां से देख के पहचान लिया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लिखा है मेसर्स मुराली मुरारी लाल, ये कौन है? जिसको बेचा होगा, क्योंकि हम तो कौन है, ऊपर वाले रामलतन, तो ये मुरारी लाल कौन होगा? जिसको बेचा होगा। अब क्वांटिटी कह रहा है 20 क्रिकेट बॉल्स बेची होंगी आपने 100 रुपए के भाव से 2000, 10 आपने बल्ले बेच दिए 2000 के भाव से 20,000, टोटल दे रखा है 22,000, यहाँ सिग्नेचर आ गया। तो अब ये बताओ ये क्या लग रहा है आपको, ये मतलब क्या हुआ होगा इसको देखकर बताओ कि ये हमने क्या करा है, बताओ। सेल करी है ऑफ गुड्स, हमने सेल करी है, और इसमें जिस व्यक्ति को सेल करी है उसका नाम भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार की सेल हुई होगी? क्रेडिट सेल हुई होगी, क्योंकि अगर कैश में सेल हुई होती तो फिर तो वो कैश मेमो होता, लेकिन इसमें तो कहीं कैश का जिक्र ही नहीं है, इसमें तो आपको कस्टमर का नाम दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सी सेल करी है आपने? क्रेडिट सेल करी है। तो अगर आपने क्रेडिट सेल करी है मुरारी को, तो इसकी जर्नल एंट्री बोलो जरा, पुराने चैप्टर में जाकर जर्नल एंट्री बोलना, क्रेडिट सेल करी मुरारी को, क्या जर्नल एंट्री होगी? नलायक मुरारी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये तो हाल है बच्चे का, जर्नल एंट्री तो याद नहीं है, चले यहाँ वाउचर बनाने। तो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री लिखवाई थी पिछले चैप्टर में? मुरारी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस एंट्री में देखो कि क्या कैश इन्वॉल्व है? नहीं है। तो क्या इसमें कैश वाउचर बनेगा? तो इसमें कौन सा वाउचर बनेगा? नॉन कैश वाउचर, वेरी गुड। तो पहले तो आपको ये बताओ कि ये पहचान हो गई कि कैश और नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं और कैसे पहचानना है। अगर कैश इन्वॉल्व होगा तो कौन सा वाउचर होता है? कैश वाउचर, और कैश इन्वॉल्व नहीं होगा तो नॉन कैश वाउचर। तो अब देखो, अब तो इसमें ना डेबिट एस्पेक्ट पे फोकस करना है ना क्रेडिट एस्पेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि ये कैश वाउचर तो है नहीं, इसमें तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करना होता है। तो डेबिट एस्पेक्ट में आप किस पर नजरें गड़ाओगे? मुरारी पर। और क्रेडिट एस्पेक्ट में आप किस पे नजरें गड़ाओगे? सेल्स पर। तो अब इसका ट्रांसफर वाउचर का ढांचा देखिए। तो ट्रांसफर वाउचर में ये आपका नाम आ गया रामरतन, मेरठ में आपकी दुकान है, वाउचर नंबर आ गया, तारीख आ गई। अब इस बार फोकस करो डेबिट। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट लिखा है? मुरारी लाल। क्लियर होगी कहानी? डेबिट में कौन सा अकाउंट लिखा है? मुरारी लाल। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट लिखा है? सेल्स अकाउंट। तो बेसिकली नॉन कैश वाउचर जो होते हैं उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों पर ही नजरें रखनी पड़ती हैं। तो डेबिट किसको करा? मुरारी को। और क्रेडिट किसको करा? सेल्स को। तो समझ आ गया कि ट्रांसफर वाउचर कैसा दिखता है? तो बस इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर वाउचर। बस मैनेजर के साइन आ गए और आपके अकाउंटेंट के साइन आ गए, तो क्लियर हो गई कहानी। चलो, तो बस ये था आपका छुटकू सा चैप्टर। तो चाहे आपसे कैश वाउचर बनवाए या नॉन कैश, आप कोई भी बना सकते हो। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी।
इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं।